गुड इवनिंग। देखो आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 11 का वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही है, पर टुडे हम टॉपिक को चेंज करेंगे। अभी तक हमने जिसके बारे में पढ़ा था वो था बैक्टीरिया। टुडे वी गो थ्रू अ न्यू दैट इज साइनोबैक्टीरिया। इसके बारे में पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया। ओके नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, देखो साइनोबैक्टीरिया जो है दीज आर ग्राम नेगेटिव, मतलब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसा है। दीज आर ग्राम नेगेटिव ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटो ट्रॉपिक। दीज आर ग्राम नेगेटिव ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटो ट्रॉपिक विच हैव अ प्रोकैरियोटिक which have a prokaryotic organization। इसमें कौन सा organization है? prokaryote। obviously prokaryote होगा because cyanobacteria are included under monera और जो भी organism monera के under में है they are prokaryotes, means उनके पास ill defined nucleus है। तो पहला हो गया कि ये gram negative है, दूसरा हो गया ये oxygenic phototrophic है and दे हैव अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके नाउ क्या होगा, फाइकोलॉजिस्ट कॉल्ड देम, फाइकोलॉजिस्ट साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं, कॉल्ड देम ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट दे ऑल्सो कॉल देम मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी एंड दे ऑल्सो कॉल देम साइनोफाइसी एंड साइनोफाइसी। तो ऑल टूगेदर देखा जाए तो साइनोबैक्टीरिया का चार नाम है। फर्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया, सेकेंड इज ब्लू ग्रीन एल्गी, थर्ड इज मिक्सोफाइसी एंड फोर्थ इज साइनोफाइसी। द टर्म साइनोबैक्टीरिया वॉज गिवेन टू देम, द टर्म साइनोबैक्टीरिया वॉज गिवेन टू देम, द टर्म साइनोबैक्टीरिया वॉज गिवेन टू देम देखो तो ग्रुप में अगर कोई है ऐसा पूछा या कोई उसको बोलो तो ज्वाइन कर लेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे, कॉल कर रही है इससे लिंक खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा चेक कर लो तो कौन पूछा है। ठीक है, द टर्म साइनोबैक्टीरिया वॉज गिवेन टू देम बाय ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। दे गिव द टर्म साइनोबैक्टीरिया वेन इन 1978। नेक्स्ट दे वेर, दैट इज साइनोबैक्टीरिया वेर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। दे वेर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ओके दे वेर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म, दे वेर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म ऑक्सीजेनिक
व्हाट? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. व्हेन? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ओवर 3 मिलियन ईयर्स एगो. ओवर 3 मिलियन ईयर्स बैक. ईयर्स बैक. एंड फ्रॉम दिस साइनोबैक्टीरिया द एरोबिक फॉर्म इवॉल्व इन द अर्थ. ओके, नेक्स्ट लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एरोबिक फॉर्म. ओके, दोज हू परफॉर्म देयर एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. डेवलपमेंट ऑफ एरोबिक फॉर्म बिकम पॉसिबल ओनली आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, तो पहला है फर्स्ट पॉइंट, दे आर ग्राम नेगेटिव ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक. फोटो ऑटोट्रॉपिक मीन्स ऑटोट्रॉप मीन्स दोज हु मेक देयर ओन फूड, एंड दोज हु मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉपिक विच हैव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव ऑलरेडी गो थ्रू दिस. नाउ फाइकोलॉजिस्ट कॉल देम ब्लू ग्रीन एल्गी, मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी. नेक्स्ट द सम साइनोबैक्टीरिया that was given by ICBN. This term was given by ICBN when? 1978. Next, these were regarded as the first organism to perform what? Oxygenic photosynthesis over 3 million years back. Next, development of aerobic form become possible. Development of aerobic form become possible only after evolution of cyanobacteria. Development of aerobic form kab possible hai? Only after the evolution of cyanobacteria that was supposed by the scientist of the world. Okay? Yahan tak samajh aaya? Kuch puchna hai? Phycologist means those who study algae. Okay? Mycology means those who study fungi. And phycologist, the scientist who study algae is called phycologist. The branch of biology deals with algae is called phycology or algology. And the scientists who deal with phycology are called phycologist. Samajh aaya phycologist kya hai? Yes sir. ठीक है, next kya hai? कि ये cyanobacteria first organism है जिसने सबसे पहले oxygenic photosynthesis किया था. कब? Over 3 billion years back. Next, development of aerobic form only become possible after the evolution of cyanobacteria. So these are the introductory character of a cyanobacteria. तुम लोगों समझ आया? रिया, प्रिया, श्रेया, समझ आ गया? ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे characteristics of cyanobacteria. बोलो सर, कल क्लास देंगे आप? कल? हाँ, संडे को आप बोले थे लेंगे. हाँ, देखते हैं, कल बता देंगे टाइम, है ना. कल तुम्हारा ये करेंगे, रिवीजन क्लास है, और कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर फॉर्म करके तुम लोग से पूछेंगे. ठीक है सर, ऑफलाइन की ऑनलाइन? ऑनलाइन. ओके सर. साइनोबैक्टीरिया. Now, we go through characteristics of cyanobacteria. Characteristics of cyanobacteria. What is characteristics of cyanobacteria? First, they are the most
सक्सेसफुल, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, साइनोबैक्टीरिया आर रिगार्डेड एज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, दे आर ग्राम नेगेटिव. साइनोबैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव मीन्स दे हैव अ कैरेक्टर लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सेकेंड, दिस साइनोबैक्टीरिया हैविंग अ जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ अ नेकेड डीएनए जस्ट लाइक बैक्टीरिया. जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ नेकेड डीएनए. ओके, हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाई इट इज कॉल्ड नेकेड डीएनए, बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन. प्रोकैरियोट में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ नेकेड डीएनए. ओके, दैट इज कॉम्पैक्टेड टू फॉर्म, कॉम्पैक्टेड टू फॉर्म न्यूक्लियर बॉडी, कॉम्पैक्टेड टू फॉर्म न्यूक्लियर बॉडी और न्यूक्लियोइड, या इसका तीसरा नेम है जीनोफोर, जीनोफोर. ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ नेकेड डीएनए, दैट इज दिस नेकेड डीएनए कॉम्पैक्टेड टू फॉर्म, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियर बॉडी, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर. ओके, हम लोग अभी तक बैक्टीरिया में इसको न्यूक्लियोइड बोले थे, इसका और एक नाम क्या है, जीनोफोर. नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव म्यूसिलेज कवरिंग या कवर्स द सेल. बैक्टीरिया में भी प्रोटेक्टिव म्यूसिलेज कवरिंग था जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोले थे, इसमें भी प्रोटेक्टिव म्यूसिलेज कवरिंग है. नेक्स्ट, सेल वॉल, सेल वॉल क्या है, थ्री लेयर टू फोर लेयर, थ्री टू फोर लेयर, सेल वॉल थ्री टू फोर लेयर. इट कंटेन, सेल वॉल थ्री टू फोर लेयर, इट कंटेन जस्ट लाइक बैक्टीरिया, द सेल वॉल ऑफ साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन. ओके, हम लोग पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में पढ़ चुके हैं. इट इज मेड अप ऑफ नाग एंड नाम, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, जो आपस में बीटा लिंकेज से जुड़ा हुआ है. तो सेल वॉल कितना है, थ्री टू फोर लेयर है, क्योंकि इसका कैरेक्टर कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसा. ठीक है, बट इसके सेल वॉल में बैक्टीरिया जैसा ही केमिकल कॉम्पोनेंट क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन. यहां तक समझ आया, फोर्थ पॉइंट सर, एनी डाउट? ठीक है, रिया समझ आ रहा है, प्रिया? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है फाइव, सेल वॉल के बारे में जान गए. अब इन मल्टी सेलुलर फॉर्म, इन मल्टी सेलुलर फॉर्म प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस आर प्रेजेंट. ओके, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस ऑकर बिटवीन, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस ऑकर बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस ऑकर बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स थ्रू पोर्स इन
सिप्टम। प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस जो होता है वो एडजेसेंट सेल्स में पाया जाता है थ्रू पोर्स इन द सेप्टम। बेसिकली क्या मल्टीसेलुलर फॉर्म क्या है, जो इनसेलुलर फॉर्म एक के ऊपर एक एक सिंगल लाइन में जब पाइलअप होता है जुड़ जाता है तो ये इसको हम मल्टीसेलुलर फॉर्म या इसको हम ट्राइकोम बोलते हैं। अब इस ट्राइक्रोम में ये जो सेप्टा है पार्टीशन है इसके बीच में एक छोटा छोटा पोर होता है और इस पोर के थ्रू क्या बनता है प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज, और जिसके थ्रू एडजेसेंट सेल के बीच मटेरियल का एक्सचेंज होता है। किसमें होता है मल्टीसेलुलर फॉर्म में। नेक्स्ट जितने भी साइनोबैक्टीरिया है दे सो क्रोमाटिक एडेप्टेशन। वॉट इज क्रोमाटिक एडेप्टेशन, फैकल्टी टू चेंज कलर, ठीक है, विथ द चेंज इन द लाइट क्वालिटी। जैसे जैसे लाइट के वेवलेंथ में चेंज होता है उस ऑर्गेनिज्म के कलर, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो कलर वो एमिट कर रहा है उसमें भी चेंज हो रहा है। क्योंकि इसको गैडुकोव ने डिस्कवर किया था, कुछ बुक में इसको गैडुकोव फेनोमेनन भी कहा गया है। तो क्या लिखेंगे, सिक्स साइनो बैक्टीरियल ओके पोजेस या साइनो बैक्टीरिया पोजेस क्रोमाटिक एडेप्टेशन। साइनोबैक्टीरिया पोजेस क्रोमाटिक एडेप्टेशन दैट इज फैकल्टी, दैट इज फैकल्टी टू चेंज, फैकल्टी टू चेंज कलरेशन, फैकल्टी टू चेंज कलरेशन विथ the change in light quality। ये सबसे अच्छा कौन सो करता है, ऑसिलेटोरिया लाइट क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड क्रोमाटिक एडेप्टेशन। जब ऑर्गेनिज्म जैसे ऑसिलेटोरिया जब वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू लाइट सो करता है, रेड लाइट एमिट कर रहा है, और जब वो रेड लाइट को एमिट कर रहा है तो ग्रीन लाइट, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जैसा According to the different wavelength of light, the different type of color emitted by different cyanobacteria, this character is called chromatic adaptation. Okay? अब next में क्या है NCERT में देखो, flagella. तो normally हम लोग already पढ़ चुके हैं कि bacteria में flagella absent है, और अगर flagella मौजूद होगा तो bacteria में हमने कहा था it is single stranded. But in cyanobacteria flagella as well as cilia is completely absent. Flagella and cilia are absent. फिर एक बार हम लोग recall करते हैं, what are flagella and cilia? Flagella and cilia are locomotory organ. Now the question is, what do you mean by locomotory organ? Locomotory organ का मतलब होता है जिस organ के through ये मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गेन साइनोबैक्टीरिया में कंप्लीटली एब्सेंट है, फ्लैजेला एंड सीलिया आर एब्सेंट। नेक्स्ट यहां तक समझ आ गया आप, तो पॉइंट सेवन ऑल इज क्लियर। सक्सेसफुल ऑटो साइनोबैक्टीरिया, तुम नहीं समझ रही है, सक्सेसफुल है लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बिकॉज साइनोबैक्टीरिया इज फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि वो एरोबिक कंडीशन में तो रहता है, क्योंकि दुनिया का ये पहला ऑर्गेनिज्म माना जाता है हु कैन लीव और परफॉर्म इन एरोबिक कंडीशन। बट साइनोबैक्टीरिया का एक प्लस पॉइंट है कि दैट अलॉन्ग विथ एन एरोबिक कंडीशन इट कैन ऑल्सो लिव इन एन एरोबिक कंडीशन बट देज आर ऑटोट्रॉपिक। समझ आया मेरा बात, ठीक है। जैसे मान लो जो ऑटोट्रॉप है वो सिंगल डायमेंशन है ना, ऑटोट्रॉप मतलब ऑटोट्रॉप जो है अगर हम बोला एरोबिक ऑटोट्रॉप दैट मीन्स दे ओनली लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन साइनोबैक्टीरिया एरोबिक है बट दैट डजेंट मीन इट इज ओनली ओनली एरोबिक। साइनोबैक्टीरिया कैन बी एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक। तो ज्यादा सर्वाइवल रेट किसका होगा, एक नॉर्मल एरोबिक बैक्टीरिया का
या एक नॉर्मल एरो फैकल्टेटिव साइनोबैक्टीरिया का, बोलो फैकल्टेटिव का होगा क्योंकि वो दोनों कंडीशन अडेप्ट कर सकता है, और जो सिर्फ एरोबिक हम बोल रहे हैं वो सिंगल डायमेंशन हो गया, जब ऑक्सीजन घटा उसका सर्वाइवल रेट घट जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है मोस्ट सक्सेसफुल एरोबिक ऑटोट्रॉफ, समझ गई। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसके प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग मास, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेवन, पॉइंट नंबर सेवन तो हो गया था ना, एट, सेल, हाँ सेल प्रोटोप्लास्ट, सेल प्रोटोप्लास्ट इज डिफ्रेंशिएटेड into two parts, cell protoplast को दो भाग में divide किया गया, क्या क्या, outer chromoplasm, chromo means, chroma means color, outer chromoplasm and central centroplasm एंड सेंट्रल सेंट्रोप्लाज्म। नेक्स्ट इनवेजिनेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम लोग बोलते हैं लैमेलोसोम। सेम इनवेजिनेशन जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बैक्टीरिया में हुआ था तो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोले थे, मेसोसोम। तो बैक्टीरिया में मेसोसोम है विच फंक्शन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, और साइनोबैक्टीरिया में लैमेलोसोम है विच फंक्शन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो लिखेंगे एंड अंदर की तरफ मुड़ना, जैसे हम बोलते हैं इनवेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ मुड़ना, वेजिनेट मतलब होता है मुड़ना और इनवेजिनेट मतलब अंदर की तरफ मुड़ना, समझ आया। देखो एन इनवेजिनेशन किसका, इनवेजिनेशन ऑफ एन इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या यहां पे एक नाम और वर्ड यूज किया गया है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा जो टर्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया गया था, जिसको जे क्यू प्लाउ ने दिया था, एक साइंटिस्ट का नाम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लैमेलोसोम, लैमेलोसोम। टेंथ पॉइंट में, टेंथ पॉइंट क्या है, क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म का मतलब हो गया कलर्ड, तो कलर्ड क्यों है, बिकॉज इट कंटेन थाइलाकॉइड एंड द थाइलाकॉइड कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो लिखेंगे क्रोमोप्लाज्म कंटेन, क्या कंटेन करेगा, थाइलाकॉइड्स, ठीक है, थाइलाकॉइड्स। नाउ these thylakoid, these thylakoids bear small structure, ये thylakoid क्या bear करता है, this thylakoid bear small structure, इसको बोलते हैं phycobilisome, क्या बोलते हैं, phycobilisome, फाइकोबिलिसोम। और इस फाइकोबिलिसोम के अंदर ही पाया जाता है फाइकोबिलिन पिगमेंट, ठीक है। अब क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या क्या है, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड, ठीक है, और फाइकोबिलिन। देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए,
ठीक है, मेरे नोट्स पे तुम लोगों को शॉर्टकट में इस तरह से मिलेगा क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स नेक्स्ट, एंड फाइकोबिलिन्स, एंड फाइकोबिलिन्स। अब ब्रैकेट में लिख दो दीज फाइकोबिलिन, अभी जस्ट बताए थे दिस फाइकोबिलिन ऑकर इनसाइड, इसके अंदर पाया जाता है फाइकोबिलिज़ोम, फाइकोबिलिज़ोम। 13 नेक्स्ट क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है तो क्लियर हो गया फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजेनिक, फोटो सिंथेसिस इज ऑक्सीजेनिक, फोटोसिंथेसिस क्या है ऑक्सीजेनिक, और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हाइड्रोजन डोनर कौन है, इट इज वाटर, हाइड्रोजन डोनर इज वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में 14 फूड रिजर्व, हमारे अंडर फूड रिजर्व क्या है ग्लाइकोजन, प्लांट का फूड रिजर्व क्या है स्टार्च, उसी तरह से साइनोबैक्टीरिया का भी फूड रिजर्व होगा, फूड रिजर्व इज नहीं आर, आर क्या क्या साइनो फाइसियन स्टार्च, साइनो फाइसियन ग्रेन्यूल्स एंड साइनो फाइसियन स्टार्च, साइनो फाइसियन ग्रेन्यूल्स एंड लिपिड ग्लोब्यूल्स, लिपिड ग्लोब्यूल्स, ये तीन साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल एंड लिपिड ग्लोब्यूल, ये सब क्या हो गया फूड रिजर्व, किसमें स्टोर फूड रिजर्व है साइनो बैक्टीरिया में। ठीक है, यहां तक समझ आया, अप टू पॉइंट 14 स्टार्ट, सबको समझ आ गया, फोटोसिंथेसिस मींस तुम तो पढ़ी है, फोटोन मींस लाइट, लाइट का यूनिट फोटोन है, सिंथेसिस मींस प्रोडक्शन, सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, तो जब एक प्लांट लाइट के प्रेजेंस में ठीक है अपने फूड का सिंथेसिस कर लेता है खुद, दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। समझ आया, वाटर कहां से आ गया, देखो दिखाते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O, ये दोनों रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, तब ये क्या बनाएगा कार्बोहाइड्रेट बनाएगा ना, C6H12O6, तो ये हाइड्रोजन पार्ट को कौन डोनेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन पार्ट को डोनेट कर सकता है नहीं, तो ये करेगा ना H2O से हाइड्रोजन पार्ट यहां आ गया, समझ गए, बस यही बोला गया, हम यही बोले कि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक है और फोटोसिंथेसिस में जो हाइड्रोजन डोनर है वो कौन है वाटर, समझ गए क्लियर, यस सर। और किसी को कुछ पूछना है, रिया किरण, अरे ये क्या कौन है, प्रिया कुछ भी, देखो नाइन में क्या है समझो, ये मान लो साइनोबैक्टीरियल सेल, हम बैक्टीरियल सेल का एग्जांपल दे रहे हैं, ये बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम लिख देते हैं, और बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट अंदर की तरफ इस तरह से मुड़ गया, तो जब ये अंदर की तरफ मुड़ गया इसको क्या बोलेंगे, इनवेजिनेशन, वेजिनेशन का मतलब होता है फोल्डिंग, फोल्डिंग किधर हो रहा है इनसाइड, तो ये इनसे इनवेजिनेशन हो गया, किसका इन्वेजिनेशन हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन
और इस स्ट्रक्चर को ही जब हम लोग बैक्टीरिया पढ़े थे तो क्या बोले थे, मेसोजोम, क्या बोले थे, मेसोजोम। और यहां पे हम उस स्ट्रक्चर का नाम क्या बोल रहे हैं, लैमेलोजोम। स्ट्रक्चर का नाम चेंज हो रहा है, फंक्शन दोनों का सेम है, दे आर फंक्शन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। समझ आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है ना, दो पॉइंट और इसका है जनरल कैरेक्टर में, उसको डिस्क्राइब कर देते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, फिर से तुम लोग को री इंटर करना पड़ेगा, अगर अपने से बाय द वे कट जाए तो री इंटर हो जाना है ना, भागना मत कोई। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी, जो कि एनएरोबिक कंडीशन में होता है। देखो नेक्स्ट कितना था, 450। मैनी मेंबर्स परफॉर्म व्हाट, मैनी परफॉर्म साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म, बोलो गलत है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी तो बताए थे। मैनी मेंबर जो साइनोबैक्टीरिया का है वो क्या परफॉर्म करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, कैसे करता है, फॉर दिस अभी बताए ना, एन एरोबिक कंडीशन इज क्रिएटेड, एन एरोबिक कंडीशन इज क्रिएटेड। ठीक है, एन एरोबिक कंडीशन इज क्रिएटेड आइदर इन अ स्पेशल सेल, आइदर इन अ स्पेशल सेल जो साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, क्या नाम है, हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट। और मान लो जिस साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट नहीं है उसमें कैसे होगा, और बाय अंडरटेकिंग फैकल्टेटिव एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और बाय अंडरटेकिंग, और बाय अंडरटेकिंग व्हाट, अंडरटेकिंग फैकल्टेटिव, अंडरटेकिंग फैकल्टेटिव एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये दो तरीका है जिससे वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, बट एक कंडीशन कॉमन है, दैट इज एनएरोबिक कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन है एनएरोबिक कंडीशन कॉमन है, या तो वो स्पेशल सेल में क्रिएट किया जाएगा जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट, या अंडरटेकिंग फैकल्टेटिव एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और फाइनली नेक्स्ट देखो, और कोई था तुम दोनों थी कि और कोई था, अच्छा तब ठीक। देखो बेसिकली सब ऑफलाइन हो चुका है ना, आज वेदर ठीक नहीं इसलिए शायद नहीं। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंस ऑफ
70S राइबोसोम एक्सेप्टर, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम एक्सेप्टर, ठीक है, ये जो है तुम्हारा फाइनल कैरेक्टर है साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है, दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। नाउ वन बाय वन वी डिस्कस ऑल दिस कैरेक्टर इन डिटेल। सबसे पहले हम लोग आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या इसको और बोल सकते हैं ऑकरेंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखेंगे पहले पॉइंट में कि दीज आर द मोस्ट सक्सेसफुल ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, दीज आर द मोस्ट सक्सेसफुल ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ऑल पॉसिबल हैबिटेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, जिसको हमने एक वर्ड यूज किया था बैक्टीरिया में, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर हम थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ओके, फाउंड इन और विच हैव मास्टर्ड ऑल, विच हैव मास्टर्ड ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ environment. Now what type of environment they mastered? Freshwater, marine water, okay, freshwater, marine water, salt marshes, moist रॉक्स, मॉइस्ट रॉक के बाद ट्री ट्रंक्स, हॉट स्प्रिंग, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है, फ्रोजन वाटर मिनिमम टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है, मतलब हर वो जगह जहां पे लाइफ पॉसिबल है थोड़ा सा भी, वहां पे क्या पाया जा रहा है, साइनोबैक्टीरिया, इसलिए इसको मोस्ट सक्सेसफुल ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहा गया है, क्योंकि इसका और एक नेचर हम अभी जस्ट बताए थे कि ये फैकल्टेटिव भी है, मतलब ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इसका एबंडेंसी, ये कितनी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इस बात पर क्लियर हो रहा है कि जो रेड सी है उसका वाटर रेड इन कलर है ड्यू टू द एबंडेंसी ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया कॉल्ड ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, और उसके रेड फाइकोइरिथ्रिन रिलीज करने के कारण वाटर का कलर रेड हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे देयर पिगमेंटेशन, कलरेशन रिलीज करता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है फाइकोइरिथ्रिन, क्या पाया जाता है, इरिथ्रिन, ERYTHRIN, और फाइकोइरिथ्रिन किस कलर का पिगमेंट होता है, रेड कलर का, किस कलर का, रेड कलर का, और उसी को ये रिलीज करता है, कौन सा साइनोबैक्टीरिया, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे देयर एबंडेंस कैन बी गेज्ड फ्रॉम द देयर एबंडेंस कैन बी गेज्ड फ्रॉम द fact that Red Sea is named after the coloration provided by red colored plankton cyanobacteria,
रेड कलर प्लैंक्टोनिक साइनोबैक्टीरिया। इसका नाम क्या है? नोन एज ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ठीक है। तो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम एक रेड कलर का प्लैंक्टोनिक, प्लैंक्टोन मतलब होता है फ्लोटिंग साइनोबैक्टीरिया है, जिसके जो लगातार रेड कलर रिलीज करने के कारण या रेड कलर पिगमेंट रिलीज करने के कारण रेड सी का वाटर रेड कलर का हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेड सी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? देखो बहुत इजी है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया बोलो, दे परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब तुम बोलेगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, तो याद करो 8 क्लास में भी था और 9 क्लास में भी था। नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो डाई नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया पहले कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में NO3 माइनस, फिर इसको कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में NO2 माइनस, और फाइनली इसको कन्वर्ट करता है एमोनिया में NH3। दैट इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, विच इनरिच द सॉइल विच नाइट्रोजन, और हम इसके कारण किसी भी फील्ड में नाइट्रोजन का केमिकल फर्टिलाइजर देने से बचते हैं, क्योंकि दिस साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया हैज द कैपेसिटी टू इंक्रीज द नाइट्रोजन क्वांटिटी ऑफ द सॉइल। और नाइट्रोजन को जो बायोलॉजिकली फिक्स कर रहा है उस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब साइनोबैक्टीरिया जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी डाई नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करता है, उसके लिए वो क्या क्रिएट करता है? एनएरोबिक कंडीशन। कहां पे क्रिएट करता है? एक है उसके पास एक स्पेशल सेल होता है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट, या तो दूसरा मान लो हेट्रोसिस्ट नहीं है, हेट्रोसिस्ट इज एब्सेंट, तब वो क्या करेगा? वो फैकल्टेटिव एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो फोटोसिंथेसिस का परफॉर्मेंस करता है, और इस दौरान वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा एमोनिया का सिंथेसिस करता है। समझ आया कि कुछ दिक्कत है तो बोलो, फिर से बता देंगे। डायरेक्ट नहीं जी, N2 से क्या बना? नाइट्रेट। नाइट्रेट से क्या बना? नाइट्राइट। और नाइट्राइट से क्या बना? एमोनिया। तो तुम डायरेक्ट कैसे बोली? देखो तो वो डायरेक्ट नहीं बनाएगा, मतलब डायरेक्ट बना था तो फिर इतना प्रोसेस का क्या टेंशन था, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, इसको बोलते हैं एमोनिफिकेशन, ठीक है। और जब ये एमोनिया दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग पढ़े थे 8 और 9 क्लास में, इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ याद आया 8-9 का क्लास? ठीक है, और कुछ पूछना है कोई और किसी को? श्रेया रिया दोनों को पूछ रहे हैं, और कोई डाउट नहीं, पूरा मिटा देना। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन में और एक दो पॉइंट है वो हम बता देते हैं। नेक्स्ट है लाइकेंस, ये भी हम लाइन में पढ़ चुके हैं। What are lichens? Lichens are formed by symbiotic association between fungi and algae. लाइकेन किससे बनता है? जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच। इस एल्गी में दो तरह का एल्गी होता है, या तो ग्रीन एल्गी मैक्सिमम केस में होता है, या
ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो लाइकेन किससे बन रहा है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बन रहा है, किसके किसके बीच? बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? एल्गी में मोस्ट कॉमनली या तो ग्रीन एल्गी होता है या तो ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहां पे क्वेश्चन है सर, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम इच अदर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों को एक दूसरे से इक्वल प्रोपोर्शन में या समान रूप से फायदा है। और जब एल्गी के साथ या ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ फंगाई का एसोसिएशन होता है, दैट इज कॉल्ड लाइकेन। तो व्हाट इज लाइकेन, समझ आया? अब देखो नेक्स्ट एक है कि जो साइनोबैक्टीरियम है, इट इज फाउंड इन प्रोटिस्टा। साइनोबैक्टीरियम फाउंड इन प्रोटिस्टा, हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में ब्रीफ आइडिया ले चुके थे। व्हाट इज प्रोटिस्टा? दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहा जाता है, कॉल्ड क्या होता है इसका नाम? साइनल्स, सी वाई, ठीक है, एन ए डबल एल ई एस, ये हो गया साइनल्स। तो साइनोबैक्टीरियम या साइनोबैक्टीरिया जब कहां में पाया जाता है? फाउंड इन प्रोटिस्टा, दैट इज कॉल्ड साइनल्स। एंड व्हाट आर प्रोटिस्टा? दीज आर यूकैरियोट, बट इसका यूनिक नेचर क्या है? दे आर यूनिसेलुलर। जबकि फंजाई, प्लांट और एनिमल किंगडम, ये तीनों यूकैरियोट भी है और मल्टी सेलुलर भी है। समझ आ गया दोनों को? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है ना, नेक्स्ट डे हम लोग फिर पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।